128 रन की लांती हार आपकी शक्लों में पड़ी है आज फिर से, और पाकिस्तान जिसको आपने इसी टूर्नामेंट के अंदर बुरी तरह हराया था, जहां साई सुदर्शन ने 100 लगाया था, जोन्स ने आपके 50 लगाए, अंपायरिंग तो बहुत लांती और घटिया हुई है, कर रहे हैं अंपायर बच्चों को लगा दिया आपने, उसमें बात करेंगे अंपायर की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो पाकिस्तान ने जो चेंजेस करे और आपने क्या किया अगर उसमें बात करी जाए, मेरे ख्याल ये इंतहाई बुजदिल एक तरीके की अप्रोच आपकी, बार बार आप पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनसे कंपटीशन नहीं, आपका सिर्फ साउथ अफ्रीका से कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा चोट करेगा अपनी जिंदगी में, पिछले 10 साल से चोक करते आ रहे हैं, बच्चों में भी आ गया, पाकिस्तान लगातार दूसरी बार इमर्जिंग एशिया कप जीत गई है, तालियां पहले उनके लिए, जब वेल डिजर्व्ड लेकिन अर्शद इकबाल ने जहां पर जाकर आपके साई सुदर्शन और दूसरे ओपनर आपके अभिषेक जब अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी, साई सुदर्शन को जो एक ओवर डाला है जहां पेस से लगातार बाउंसर्स से बीट करते रहे, हालांकि वो भी नो बॉल ही थी मेरी किताब में, तो साई सुदर्शन साफ नो बॉल थी, लग रहा आई थिंक पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतने आया था, उन्होंने उनके कोच की आपने बात सुनी, उन्होंने बोला 3 प्लेयर तो हमने जान के नहीं खिलाए क्योंकि लीग मैच से हमें मतलब नहीं, हमें फाइनल से मतलब है, जो खिलाए वो भी 30-30 साल के खिलाए हैं, फाइनल से मतलब ही नहीं है, आपने खिलाया इकबाल को, आपने खिलाया मुकीम को, राइट, और आपने खिलाया जिन्होंने मारी है सेंचुरी, तीनों को आपने अंदर करा, बाकियों को बाहर करा, आपके जो मेन खिलाड़ी आज मुझे लगे बैटिंग के तो आपकी पाकिस्तान की बात कर लेंगे, इकबाल ने जो ओवर डाला है, बाद में मुकीम को तो आपने आपके सारे के सारे प्लेयर इस पिच के ऊपर, चलो 350 बन गए, इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद बैटिंग पिच के ऊपर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अगर आप सबका बैटिंग स्कोर कार्ड देखोगे किस तरीके से आउट हुए, साई सुदर्शन को छोड़ दो, साई सुदर्शन क्या लड़ाई झगड़ी हुई शायद, साई सुदर्शन को छोड़ दो, चलो वो नॉट आउट मार लिया, चलो अभिषेक शर्मा छक्का मारने के बाद किस तरीके की आपने शॉट, सेट होने के बाद छक्का दूर की बात भाई, तू अकेला सेट है तू तो कर जा, इंतहाई मतलब एक होती है ना जहन्नम की लानत, वो वाली शॉट्स हैं, यश धूल घटिया निहायती वाहियात शॉट, निशांत सिंधु घटिया महामनोज शॉट, पूरे खेल ओ भाई तुम कर क्या यार, 50 ओवर की गेम है T20 खेलने आए हो और आईपीएल वालों को इतना अच्छा सेट हो चुके हो, इतना अच्छा सेट हो चुके हो, ऊपर के ऊपर तीनों बीच के अंदर ये स्कूल सेट लग रहा था, सिंधु जी यहाँ पे पार्टनरशिप लगी हुई थी, क्या जरूरत थी उन्हें जरूर कोई, उन्होंने बड़ी आपको शेन वॉर्न वाली बॉलिंग करा दी थी, किसने तुम्हें ऐसी बॉलिंग कराई कि तुम्हें क्या मौत पड़ रही थी, नहीं जरूरत थी ना हवाबाजी करने की, हवाबाजी करने की बस एक्टिंग ही करवा, बच्चों को भी बस सोने की चेने डलवा लो, तुम्हारी चेने है वो ट्रॉफी लेके चला गया, कह रहे तुम चेने रख लो हम ट्रॉफी रख लेंगे, क्या ड्रामा है यार, तुम्हारे अच्छी खासी टीम, तुम्हारी ज्यादा तगड़ी टीम, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी, ये 350 भी बन गए थे वो भी चेस होना चाहिए था, अरे शुरुआत पिच में कुछ भी नहीं था, मगर तुम लोग पैनिक करने के चक्कर में और जल्दीबाजी करने के चक्कर में या ब्रेन फेल के चक्कर में या अंदर से दिल्ली के चक्कर में या इंतहाई लांती होने के चक्कर में पूरा का पूरा मैच ही गवा दिया, रियान बराक पूरा मैच, ये रियान बराक फिनिशर बन गए, रियान बराक तक तो रियान बराक से पहले ध्रुव जुरे निशांत सिंधु खत्म हो गई थी बात, जब तक रियान बराक आया तब तक तो मैच ही खत्म था, कम से कम उसने बॉलिंग से दो विकेट तो लिए, भेजा उसको नीचे, साई सुदर्शन एक ऐसी विकेट थी जो मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, अर्शद इकबाल ने बॉलिंग डाली है उसने आपको मैच जिता दिया, सबसे बड़ी विकेट।